आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। ये मेरी गांव की देसी मिठाई है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है ये स्वीट्स, और बिल्कुल कम सामान से, घर पर ही अवेलेबल चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 2 कप चावल का आटा ले लिया है, और हमने 2 कप चावल का आटा लिया है तो 1/2 कप सूजी लेंगे। कोई भी सूजी ले सकते हैं, बारीक या मोटी। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। सूजी डालने से होता यह है कि अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमको दही चाहिए। दही हमारा अच्छा खट्टा होना चाहिए। कम खट्टा यदि आपका दही होगा तो मज़ेदार रेसिपी नहीं बनेगी। ये स्वीट्स थोड़ा खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है। तो जिस कप से हमने चावल का आटा लिया था, उसी कप से हमने 1.5 कप दही ले लिया है। जैसे कि अभी समर सीज़न है तो कम से कम 12 से 13 घंटा आपका दही बाहर होना चाहिए, तभी आपका अच्छा खट्टा दही होगा। तो जितना अच्छा आपका खट्टा दही होगा उतना ही अच्छा बनेगा। इसके लिए आपको फ्रेश दही की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपका 3 से 4 दिन का दही हो, वैसा दही नहीं चाहिए, फ्रेश दही की ज़रूरत है। और हमने दही अच्छे से मिक्स कर लिया है। ज़रूरत के अनुसार हम इसमें पानी डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमें अच्छे से फेंटना है, मिनिमम 10 से 12 मिनट तो इसको फेंटेंगे। जितना ही अच्छा हम इसको फेंटेंगे इस तरीके से, उतना ही अच्छे ये सॉफ्ट बनेंगे हमारे। इसको हमने फेंट लिया है। 15 से 20 मिनट इसको ढक कर रख देते हैं ताकि जो सूजी है अच्छे से फूल जाए। जब तक हम एक साइड चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए हमने बड़े बर्तन में 2 कटोरी चीनी लिया है। 2 कटोरी चीनी लेंगे तो 4 कटोरी हम, जिस भी बर्तन से आप चीनी लें तो उसी से आप पानी का मेज़रमेंट करें। जैसे कि 2 कटोरी मैंने चीनी लिया है तो 4 कटोरी पानी ऐड करूंगी। तो इस स्वीट्स को बनाने के लिए हमको ज़्यादा चाशनी की ज़रूरत होगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये जो डिश बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो ये चीनी पूरी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। अब इसको हम गर्म होने देते हैं एक साइड। इसको हमको 1 तार या 2 तार की चाशनी तैयार नहीं करनी है। जब तक हमारे 15 से 20 मिनट भी हो गए हैं तो ये जो सूजी है, सूजी भी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम खाने का सोडा ऐड कर देते हैं। इसमें हमने 1/2 टीस्पून खाने का सोडा ऐड कर दिया है। खाने का सोडा हमको 1/2 टीस्पून ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। सोडा डालने के बाद इसको हमको ज़्यादा फेंटना नहीं है। पकौड़े वगैरह का बैटर होता है उसी तरीके से होना चाहिए। देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी। अब एक साइड हमने कढ़ाई में शुद्ध देसी घी ले लिया है। ये स्वीट्स हमारा घी में ही अच्छा लगता है। यदि आप तेल का बनाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा ये स्वीट्स। चाशनी भी एक तरफ गर्म हो रही है, गैस का फ्लेम हमको स्लो कर देना है। चाशनी भी हमको गर्म ही चाहिए इसको बनाने के लिए। और एक साइड हमने कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है, उसी घी को गहरी कढ़ाई में पलटा दिया है। और इसमें छोटे बड़े जिस भी साइज़ के आपको बनाना हो तो वैसे आप इसके पकोड़े बनाते जाएं। वैसे इसके हम छोटे साइज़ के ही पकोड़े बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो छोटे छोटे साइज़ के हम पकोड़े बनाते जा रहे हैं तो वो फूलते जा रहे हैं। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से कुक होने देते हैं। हम इसे अच्छे से डीप फ्राई कर लेते हैं जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। देखिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा भी कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसा नहीं है कि हमको मार्केट से लाने की ज़रूरत है। जो भी घर पर अवेलेबल होते हैं उसी से हमारी ये झटपट से ये स्वीट्स बनकर तैयार हो जाता है। यदि आपके यहाँ कोई भी गेस्ट वगैरह आए तो इसको ज़रूर उन्हें खिलाएँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है रियली फ्रेंड्स। तो देखिए, हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के सारे पकौड़े हम इस तरीके से तोड़ते जाते हैं। और एक साइड हमारी चाशनी भी गर्म हो रही है तो ये पकौड़े जो निकाल रहे हैं तो उसमें हम पलटते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने दूसरे बैच को भी डीप फ्राई कर लिया है। और इसको हम फिर से चाशनी में डाल देते हैं। तो चाशनी में जब आप डालें तो चाशनी को हम गर्म होने देना है। गर्म गर्म में इसको डालेंगे तो अच्छे से अंदर तक ये फूल जाएंगे। तो इसी तरीके से सारे जितने भी पकौड़े हैं हमने बना लिया है और सभी को चाशनी में मिला दिया। और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसको ढककर 3 से 4 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि अच्छे से ये फूल जाएं।
आप देखेंगे कि ये पकोड़े पूरी चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिए हैं। देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमने चाशनी बनाई थी, सारे पकोड़े ने अच्छे से पूरी चाशनी को पी लिए हैं। तो आप चाशनी की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखें, और ये डिश जितनी ठंडी होती है उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। आप 3 से 4 दिन फ्रिज में स्टोर करके इसको खा सकते हैं, खाने में एकदम स्वादिष्ट लगती है और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।